राइनफॉल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर शहर का एकमात्र सीबीएसई स्कूल जो एलएन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भविष्य हेतु मजबूत नींव तैयार करता है। प्रवेश हेतु आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। रेणुका कृषि उपज मंडी में मनाया गया। यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, यहाँ पे अधिकारी है, यहाँ पे अफसर है, सभी ने यहाँ पे योग की क्रियाओं को किया है। इसमें कई चीजें सामने आई है। यहाँ पे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद थे, यहाँ पे विधायक अच्छा जेटी से मौजूद थी, कलेक्टर भव्य मित्तल भी थी, एसपी देवेंद्र पाटीदार भी थे। यहाँ पे क्रियाओं को लेकर किया गया है ताकि योग के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ जनप्रतिनिधि जीएनटी मोंडसरी एंड सेवा सदन जिले का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को न्यूनतम फीस में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। प्रवेश हेतु संपर्क करें। लड़खड़ाए हैं तो कुछ ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, ऐसा ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो साथ में वीडियो चल रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बड़ी स्ट्रांग और मजबूत स्थिति में योग की ताड़ासन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उनके बाजू में ही भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज माने, वो इस क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इनके बाजू में विधायक अर्चना जनिस भी थी, वो भी असहज थी इस क्रिया को करने के लिए। हालांकि इसमें एक चीज और देखने लायक थी कि यहाँ पे जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख है, उन्होंने इस क्रिया को बराबर किया है। बहरहाल आप खुश रहिए, ये मजेदार खबर, ये मजेदार वीडियो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे योग शिविर की क्रियाएं चल रही है, योग की क्रियाएं चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर मनाया गया, किस तरीके से मनाया है वो भी आप देखिए। लगातार हमारे साथ हमारी खबर को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। ये खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी दुनिया के जो योग में विश्वास रखते हैं ऐसे सभी को बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरी दुनिया को योग से जोड़ा है, और योग हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़कर सभी को निरोगी बनाने का जो संकल्प लिया था, संकल्प को आज हम सब लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देश और दुनिया में योग में विश्वास रखने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से ही करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस लाएं तो इस बात पर ध्यान रखें कि जांघों को ना खोलें। आपकी उंगलियों को दाएं कंधे पर, दोनों उंगलियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर उंगलियों को घुमाते हुए वक्ष तल के साथ बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।